नमस्कार दोस्तों, एग्रो फील्ड चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ डहलिया फ्लावर प्लांट पर बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप डहलिया से अधिक और बड़े बड़े साइज के फ्लावर प्रोड्यूस करा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपके डहलिया में फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है वो बताऊँगा, और अगर फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हैं तो उसका भी सोल्यूशन आपको बताऊँगा। और सभी फर्टिलाइजर डालने पर भी आपको उसका असर नहीं दिख रहा है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, फ्लावरिंग बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा डहलिया से अच्छे और बड़े साइज के फ्लावर के लिए और ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, घना करने के लिए, सभी जानकारी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे साथ पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आप जो डहलिया का प्लांट देख रहे हैं, इसे मैंने नर्सरी से एक महीने पहले लाकर लगाया था, और लगाने के बाद इसके हेड पार्ट को कट करके हटा दिया था। इसके बाद आप देख ही रहे हैं, यहाँ से तीन ब्रांचेस निकली हुई हैं। डहलिया को पिंच नहीं करने पर यह काफ़ी लंबा और ऊंचा हो जाता है, और इसे स्टिक से सपोर्ट देना पड़ता है, बिना सपोर्ट के यह खड़ा नहीं रह पाता है। लेकिन हेड पार्ट रिमूव करने पर नीचे जितनी भी नोड एरिया होती हैं वहाँ से नई नई शूट्स निकलती हैं। अधिक ब्रांचेस की वजह से पौधा फ्लावरिंग भी अधिक करता है, और हाइट कम होने की वजह से स्टिक से सपोर्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने भी इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सॉइल मीडिया पर बात करते हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल मीडिया ही होता है। यहीं से प्लांट की बेस तैयार होती है। जैसी मीडिया में आप पौधे लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग पौधा फ्लावरिंग करता है। बाकी बचा पौधे की केयर, देखभाल, खाद, फर्टिलाइजर्स वगैरह, तो वो बाद की बात है। और इस डहलिया को मैंने नर्सरी से लाकर तब लगाया था जब यह बिल्कुल बेबी प्लांट था और इसकी पिंचिंग भी नहीं की गई थी। और नर्सरी से लाकर मैंने इसके लिए जो मीडिया तैयार किया था उसमें नॉर्मल गार्डन की सोयल 40%, कंपोस्ट मैनो 40%, नीम केक 10% और कोकोपीट 10% लिया था। नीम केक ऐड करने पर मिट्टी में कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, और यह फर्टिलाइज़र का भी काम करता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से इस मीडिया में नीम केक को भी काउंट करने पर खाद की मात्रा 50% हो गई है। और इसके अलावा मैंने जो कोकोपीट ऐड किया है वो मिट्टी को भुरभुरा और सॉफ्ट रखेगा, ड्रेनेज सिस्टम को भी सही रखेगा और मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखेगा। बहुत जल्दी जल्दी हमें इसमें वाटरिंग करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कोकोपीट अपने से लगभग 8 से 10 गुना वाटर अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता रखता है। ये तो हो गया डहलिया के लिए सॉइल मीडिया की बात। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ पर। हालाँकि मैंने इसे बैलेंस फर्टिलाइज़र दिया हुआ है, कंपोस्ट मैनर को बैलेंस फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है, बट इसके बावजूद भी आप 0.5 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके शुरुआती ग्रोथ टाइम में स्प्रे कर सकते हैं। और ये 1 लीटर को एक ही प्लांट में स्प्रे नहीं करना है, वरना पत्ते जलने लगेंगे। 1 लीटर पानी लगभग 10 से 15 पौधों के लिए पर्याप्त रहता है। इसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है और स्टेम हार्ड हो जाते हैं तब आप यूरिया की मात्रा को 0.5 ग्राम की जगह 1 से 1.5 ग्राम तक भी कर सकते हैं। और जैसे ही प्लांट की ग्रोथ फास्ट होती है, पौधा हरा भरा और घना होता है, तब स्पाइडर माइट्स, लीफ माइनर, एफिड वगैरह का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पाइडर माइट्स को कंट्रोल करने के लिए आप सीड शॉप में जाकर कोई भी अच्छी कंपनी का माइटीसाइड लेकर स्प्रे कर सकते हैं। कंपनी कोई भी हो पर कंपोनेंट और कंपोजिशन लगभग सेम ही होते हैं। आपको मेडन, ओबेरॉन या एम माइट्स किसी भी नाम से आपको मिल सकता है, कोई भी आप ले लीजिएगा, सभी में रिजल्ट अच्छा रहता है। इसके अलावा लीफ माइनर, एफिड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इमीडा क्लोप्रेट का स्प्रे आप कर सकते हैं। मात्रा आपको 1/4 चम्मच या 1/2 चम्मच 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके स्प्रे करना है, इतना सफिशियंट रहता है। वो सभी आपको 15 दिन में एक बार ज़रूर स्प्रे करना है अपने प्लांट्स पर। इसके अलावा डहलिया में एक समस्या आती है कि इस प्लांट को स्टिक से सपोर्ट देना पड़ता है। नर्सरी से अगर आप डहलिया के प्लांट परचेस करके विद फ्लावर लाते हैं तो आपको स्टिक के साथ ही यह प्लांट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी बेबी प्लांट को ग्रो करते हैं तो आप पिंच करके बूसी इसे कर सकते हैं। और रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्टेम को मोटा और मजबूत करने के लिए आप फास्फोरस के 3 से 4 दाने स्टार्ट में डाल सकते हैं। देन इसकी मात्रा को प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप बढ़ा भी सकते हैं। और आप सभी को पता ही है, रूट्स जितने हेल्दी होते हैं प्लांट की ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। फास्फोरस यूज करने पर फूलों का साइज भी इंक्रीज होता है। इसे भी आप 10 से 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, अगर आपके डहलिया में फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं आ रहे हैं या कम मात्रा में आ रहे हैं तो आपको पोटास 1/4 चम्मच एक पौधे में गमले के किनारे किनारे डालना है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको तने में सटाकर नहीं डालना है। इसके अलावा अगर फ्लावर के साइज छोटे आ रहे हैं
तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आपको फ्लावरिंग बर्ड्स आने से पहले ही फास्फोरस पोटेशियम डालना है, तभी फ्लावरिंग बर्ड्स बड़े निकल कर आएंगे और बड़े साइज के फ्लावर खिलेंगे और कलियाँ भी अधिक बनेंगी। इसके अलावा अधिक फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है कि पौधे में अधिक शाखाओं का होना, तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया है यूरिया का स्प्रे करने के लिए। अभी विंटर में किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है मस्टर्ड केक सोल्यूशन। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी क्वांटिटी होती है। मस्टर्ड केक एक कंप्लीट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसे आप पर वीक या 10 से 12 दिन में एक बार डाल सकते हैं, और जब प्लांट्स फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाता है तब आप मस्टर्ड केक सोल्यूशन में पोटास भी ऐड कर लिया करें। इसे बनाना कैसे है उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी फर्टिलाइजर्स बताई है उसे पौधा अधिक से अधिक मात्रा में इंटेक कैसे करेगा। सामान्यतः कोई भी पौधा न्यूट्रिशंस को 30 से 32% ही इंटेक कर पाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिसे डालने पर पौधा 30% की जगह 60 से 70% तक यूज करने लगेगा, मतलब सीधा डबल, और प्लांट्स न्यूट्रिशंस को जितना इंटेक करेगा फ्लावरिंग भी उतनी ही अधिक उसमें होगी। तो दोस्तों ये है ह्यूमिक एसिड, ये लिक्विड और ग्रेन्यूल्स दोनों फॉर्म में आपको किसी भी सीड शॉप में इजीली मिल जाएंगे। ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड वगैरह आप जो भी चीज़ें यूज करते हैं ये सभी खेती किसानी में लंबे अरसे से यूज होते आ रहे हैं। हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं वो फार्मिंग लंबे समय से यूज होने के बाद तब कहीं जाकर हम उसे गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, मतलब फार्मर हमेशा गार्डनर से आगे ही रहते हैं और रहेंगे। तो अब बात करते हैं यह कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों जब हम प्लांट्स को फर्टिलाइज करते हैं तो उनमें जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं सभी न्यूट्रिशंस को ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड वगैरह ये सभी इंटेक करने की क्षमता को इनक्रीज कर देते हैं, और इसे यूज करने पर प्लांट्स में छोटी मोटी बीमारियाँ भी कम लगती है या फिर नहीं लगती हैं। ये ह्यूमिक एसिड बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों, सभी फर्टिलाइज़र डालने पर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और पौधों पर उसका असर नहीं हो रहा है तो फिर आप इसे वाटरिंग करते समय 1/4 चम्मच या फिर छोटे चम्मच में 1/2 चम्मच मिलाकर पौधों में डाल दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल, पौधों में उसका असर कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगेगा। तो दोस्तों यही सब कुछ जानकारियाँ थी जिसे मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।